क्या उस समय से रहेगा प्रेमी श्रोताओं, कि जिस समय राजा हरिश्चंद्र वर्ण नदी पे पानी लेने के लिए पहुंचते हैं, 28 दिन के निर्णावासी थे, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था, शरीर में सत नहीं रह रहा, जैसे तैसे करके राजा ने घड़ा अपने सर पर धरा और 2-4 कदम उल्टा अटके चलने लगा, लड़खड़ा के गिर पड़ा, मटका फूट गया। चलते चलते कालिया भंगी के पास आए। कालिया नु कहने लगा, रे अरे तू तो पानी लेने गया था ना? बोला जी गया था, मटका कित से? बोला जी मटका ते फूट गया। इतना कहते बरस पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे। तो राजा हरिश्चंद्र एक बात के द्वारा दया की भीख मांगने लग गई और हाथ जोड़ के कालिया भंगी ते के कहने लगी, के लिख दिया पंडित जी ने, दम लिकड़न का डर से रे कालिये मत नारड़ का मार, मेरा दम लिकड़न का डर से, बकस तेरे ओ पांच चुचकारूंगा, बकस तेरे पांच चुचकारूंगा। कालिये मत नारड़ का मार, मेरा दम लिकड़न का डर से, कालिये मत नारड़ का मार, मेरा दम लिकड़न का डर से, बकस तेरे पांच चुकारूंगा, बकस तेरे पांच चुकारूंगा। कालिये मत नारड़ का मार, मेरा दम लिकड़न का डर से, बकस तेरे पांच चुकारूंगा, बकस तेरे पांच। कुछ तो नहीं सा कर रहा है जो तू भुगतन लग रहा है, कैसे? सोच में काले मटका फूटा, सोचने मेरा काल चुका, मेरा काल चुका।
सोच बिन झूठा जगत व्यवहार सोचन समझनिया की मरसे सोच बिन झूठा जगत व्यवहार सोचन समझनिया की मरसे सोच लीना हिम्मत हारूंगा बकस तेरे पाछ चुकारूंगा कालिए मत नारण को मारे तुम लिखड़ा निकाल होरिया बकस तेरे पाछ चुकारूंगा बकस तेरे भगवान के भजन में ध्यान करके नहीं जितनी मेरे में बीती है और किसी में बीत जा जिंदा नहीं रहेगा सुन ले चित्त भक्ति रस में भेरा खे ओ चित्त भक्ति रस में भेरा खे मत के दुख मन कड़े खे बात रही होगी क्यों रागनी अच्छी लग रही है ताली बजा दो एक बार जोरदार से कर्म तने की कर्म तपती कर्म तने की कर्म तपती कर्म तयाथी घोड़ा कर्म ते नदी की बनियार कर्म ते पंगी का घर से कर्म ते नदी की बनियार कर्म ते पंगी का घर से कर्म कर जन्म सुधारूंगा बकस तेरे पास चुकारूंगा ये मत नारायण का मारे तुम लिखना
लक्ष्मी चंद कहे कर्म की चीट। लक्ष्मी चंद कहे कर्म की चीट। नौकरी रोटी पर काटीट। मने चाहे मार पीट सरकार आगे रखवाला खुद यार से। मने चाहे मार पीट सरताज आगे रखवाला खुद हर से। मने चाहे मार पीट सरकार आगे रखवाला।